बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद ये है कि कभी कभी हमारे पास ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं उनको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन उनकी फाइन नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं उनको अदर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब उनकी आइडेंटिटी यूज करके उनको लिखा जाता है। अब सबसे पहले वो फॉर्मूले देख रहे हैं जो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास फंक्शन हो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को चेंज कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और बाहर dx, मतलब इंटीग्रेशन ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। मतलब हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया है, साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दिया है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो फंक्शन है वो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है तो अगर हम उसको फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन उसकी, तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 से। उसके बाद थर्ड अगर हम फॉर्मूला देखें, थर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स जब भी मिलता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं sec स्क्वायर एक्स से, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स हो, cot स्क्वायर एक्स, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स को किसमें कन्वर्ट करते हैं, cosec स्क्वायर एक्स में। उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला, अगर आपके पास डबल एंगल हो साइन 2x हो, ठीक है, साइन 2x को आप चेंज कर सकते हैं 2 sin x और उसके बाद cos x। उसके बाद सिक्स्थ फॉर्मूला, अगर आपके पास साइन 2x हो, अगेन साइन 2x का सेकंड फॉर्म है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन और नीचे क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास नंबर 7 जो फार्मूला है, अगर आपके पास cos 2x हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एट फार्मूला है, अगर आपके पास tan 2x हो तो tan 2x को कैसे लिखते हैं हम, 2 tan x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास साइन 3x हो, मतलब अब जो एंगल है वो थर्ड, मतलब 3 मल्टीपल है उसका, अब क्या है साइन 3x हो, साइन 3x को कैसे लिखते हैं हम, इसको हम लिखते हैं इज इक्वल टू 3 sin स्क्वायर एक्स और इसको हम कैसे लिखते हैं 3 sin x और उसके बाद क्या करते हैं -4 sin3x, ठीक है। ये था नाइन्थ फॉर्मूला। उसके बाद अगर आपके पास अगेन नंबर 10 पे cos 3x हो, cos 3x, तो cos 3x को कन्वर्ट करते हैं 4 cos3x - 3 cos x, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूले, इन फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे वो सॉल्व कैसे होते हैं। अब सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें कह रहा है अगर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स ये इंटीग्रेट करना है तो ये कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप टू राइट द क्वेश्चन एज इट इज, हम सपोज करते हैं लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 डी एक्स। अब एक और चीज इसमें लिखनी है, यहाँ पे हिंट भी देनी पड़ती है कि साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आगे हम कैसे करेंगे देखें, अब यहाँ पे इंटीग्रेट और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो टर्म्स है 1 माइनस कॉस 2x, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 अपॉन 2 माइनस कॉस 2x अपॉन
टू डी एक्स, ठीक है, हमने इनको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट अगेन I इज इक्वल टू यहां पे 1/2, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट अगेन, अब यहां पे क्या करेंगे, 1/2 दोनों में से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहां पे 1 बचेगा, ठीक है, और माइनस, और यहां पे इंटीग्रेट करना है cos 2x dx, मतलब दोनों टर्म्स को हमने अलग अलग कर दिया। अब यहां पे क्या करेंगे, सिंपली इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, कैसे होगा, I इज इक्वल टू यहां पे 1/2 सेम रहेगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, माइनस यहां पे cos 2x है, यहां पे cos 2x है, इसका मतलब जो इसकी एंगल है वो क्या है, डबल एंगल है, ठीक है, मतलब 2x है, तो यहां पे क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin होता है, मगर एंगल क्या है इसकी, 2x है, इसका मतलब sin 2x तो लिखेंगे मगर अपॉन में 2 देना लाजमी है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस c कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे अगर हम इसको सिंपलीफाई अगर करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 और x, इसके बाद माइनस sin 2x, sin 2x अपॉन 2 to the 4 प्लस c, दैट इज आंसर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम पर आ रहे हैं, नेक्स्ट कॉलम में क्या कह रहे हैं देखें, अब नंबर 2 प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर और एंगल है इसकी x माइनस 1, उसके बाद dx, मतलब ये आपने फाइंड करना है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो राइट द क्वेश्चन एज इट इज गिवन, ओके, लेट I स्टैंड फॉर इंटीग्रल, ओके, I इज इक्वल टू इंटीग्रल tan स्क्वायर x माइनस 1 इज एंगल ऑफ द tan स्क्वायर एंड dx, ओके, जैसे हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि हमें पता है कि जो यहां पे मैं साइड में लिख रहा हूं, यहां पे हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर एक्स के, यहां पे मगर टेन स्क्वायर एक्स, अगर आप देखेंगे टेन स्क्वायर एक्स है तो 1 कहां जाएगा, इधर आ जाएगा, इसका मतलब कि टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब यहां पे देखें, यहां पे tan स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या करेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले sec स्क्वायर और जो एंगल है वो x माइनस 1 है, उसके बाद माइनस 1 अगेन करेंगे, ठीक है। ये क्या था, ये अकॉर्डिंग टू द ये फॉर्मेट, ये जो फॉर्मूला यहां पे लिखा है हमने, इस फॉर्मूले के तहत इसकी फॉर्मेट यहां पे ऐसे रख दी, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली हमने क्या करना है, अब इंटीग्रेशन दो टर्म से इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 की अलग इंटीग्रेशन, और उसके बाद क्या होगा, माइनस और 1 की अलग, 1 मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे I इज इक्वल टू यहां पे क्या होगा, sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sec स्क्वायर x, सॉरी यहां पे dx देना, मैं भूल गया था, यहां पे dx की देना है, ठीक है। अब यहां पे sec स्क्वायर की क्या होती है, tan x, मतलब tan तो लिखेंगे आप, और एंगल क्या है इसमें, अगर आप एंगल लेंगे x माइनस 1 है, इसका मतलब एंगल क्या रहेगा, यहां पे x माइनस 1 है, ठीक है। x माइनस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1 होगा, तो अपॉन में वो लिखना लाजमी नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे, अब यहां पे 1 की इंटीग्रेशन x, उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, प्लस c कर देंगे, दैट इज आंसर, ठीक है। उसके बाद अब हम आ रहे हैं और किसी प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर थ्री में कह रहा है कि अगर आपके पास cot स्क्वायर x बाय 2 हो, उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहां पे एंगल क्या है, एंगल x बाय 2 है। अब इसको क्या करेंगे, अब हमें पता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर x के, ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, सिंपली यहां पे सॉल्व लिखेंगे, इसी तरीके से सपोज करेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x बाय 2 dx, और I इज इक्वल टू यहां पे cot स्क्वायर को किस पे कन्वर्ट करेंगे, यहां पे अगर cot स्क्वायर फाइंड करना है तो यहां पे 1 इधर आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सिंपली क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे cosec स्क्वायर, और एंगल क्या है, x बाय 2 है, x की जगह पर माइनस 1 अगेन करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, ठीक है, ये जो फॉर्मेट आपको गिवन है,
ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर और x बाय टू, ठीक है, और उसके बाद माइनस वन की अलग इंटीग्रेशन, सॉरी, और इसकी अलग इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, i इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास। अब आपको पता है यहाँ पे जो कोसेक स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो ये होता है इक्वल माइनस कॉट x के, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है x बाय टू है, ठीक है, यहाँ पे क्या है x बाय टू है, इसका मतलब ये है कि अपॉन में वन अपॉन टू हमने रखना है, क्योंकि x अपॉन टू, x बाय टू की अगर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वन अपॉन टू होगा, ठीक है, बेसिकली फॉर्मेट के मुताबिक वो रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन रखें, बस सबसे पहले माइनस कॉट और एंगल क्या है x बाय टू है, तो अपॉन में अगेन वन बाय टू रखना पड़ेगा, ओके, और उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस एक्स प्लस सी। अब अगेन हम इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये अगेन डिनोमिनेटर के अगेन डिनोमिनेटर में, मतलब ये 2 कहां पर आ जाएगा, 2 बेसिकली ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 कॉट और एंगल क्या है x बाय 2 माइनस माइनस x प्लस सी, दैट इज आंसर। तो आज के लिए इतना सबक काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।